the Lord. Hallelujah. <coughs> Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. <coughs> Thank you, Jesus. Blessed be your name, Lord God. Blessed be your name. Hallelujah. Brother Lalitji, Jai Yeshu Masiki. Hmm. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Hallelujah. 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 Hmm. thank you jesus praise the name of the lord lord we bless your name <clears throat> lord we glorify you lord we honour you we exalt you lord god Hallelujah. We give you praise, Lord. We give you glory. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for your presence. Thank you for your anointing, Lord God. Hallelujah. Holy Spirit, come upon us. Hallelujah. holy spirit come upon us in a fresh way. holy spirit anoint us in a fresh way. holy spirit, we thank you. thank you, holy spirit. thank you, thank you, ruhak Ruha kudush. Ruha Ka <coughs> thank you, ruhak Ka 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 Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bless you, bless you, bless you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे मेरे जीवन में यसु तेरा ना जला पाता रहे मेरे जीवन में यसु तेरा ना जलाल पाता रहे मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू दुनिया का नूर है ये सू तू मेरी राहें सजाता रहे मेरा उठना और बैठना और चलना तुझे बात रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जला पाता रहे हाल लुआया Worship you, Lord. Worship you. Glorify you, Lord. I glorify your name, Lord. I glorify your name. Lord, I exalt you, exalt you, exalt you. Hallelujah! Hallelujah! Lord, I thank you. Lord, I worship you. Lord, I praise you. Lord, I lift up your holy name. Hallelujah! 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 Lift up your holy name, Lord. I lift up your holy name, Lord. I lift up your holy name, Lord. I lift up your holy name. Lift up your holy name. Name Lord, I lift up your holy name, lift up your holy name, lift up your holy name hallelujah 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 <coughs> hallelujah thank you Lord Jesus thank you Lord Jesus mm. Lord, I praise your name. Lord, I bless your name. Lord, I exalt you. Exalt you. Lord, I glorify you. Hmm. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, <coughs> Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mm. Mm. Blessed be your name, Lord. Blessed be your name, Lord. Blessed be your name. एक्सक्यूज मी हालिया प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं लोड वी ब्लैस यू लोड वी मैग्नेफाई यू वी ग्लोरेफाई योर नेम लोड गॉड वी लिफ्ट यू अपि एग्जॉल यू लोड वी एग्जॉल यू एक्ल यू एक्जॉल यू एक्सॉल यू एक्ल यू एक्सॉल यू लोड एक् एक्सॉल यू एक्ल योर नेम लोड एक्ल योर नेम एक्ल यू नेम एक्ल यो नेम एक्ल योर नेम एक्ल योर नेम थैंक यू जीज एस ऑफ नैजरत थैंक यू जीज एस ऑफ नज़रत प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन आपकी स्तुति करते हैं आपके प्रभु जी हजूर में आते हैं आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं हाली लोईया आपके नाम को धन्य धन्य कहते हैं प्रभु हाली है। लुईया हाली लोईया आपके नाम को धन्य धन्य कहते हैं धन्य धन्य कहते हैं धन्य धन्य कहते हैं ये मसीह में आपके लहू को पुकारता हूँ आपके जिंदा खून को पुकारता हूँ आपके लहू की कुदरत को खोलता हूँ आपके लोगों के ऊपर आपके खून की शक्ति को खोलता हूँ प्रभु जी आपके खून की कुदरत को खोलता हूँ आपके खून के मसा को खोलता हूँ खून की हजूरी को खोलता हूँ ख़ुदा लुहिया प्रभु जी आपके लहू के सए के नीचे आते हैं खून के साय के नीचे आते हैं यश मसीह खून के सहाय के नीचे आपका धन्यवाद करते हुए स्तुति गाते हुए प्रभु जी आपके लहू के साहे के लहू के साहे के नीचे लहू के शाही के नीचे लहू के साहे के नीचे लहू के साहे साहे के नीचे आते हैं खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं धन्यवाद 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 हो प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 हो प्रभु जी आपके लहू की जय 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 पवित्र लहू की जय हो पवित्र लहू की जय हो प्रभु जी आपका धन्यवाद प्रभु जी आपका धन्यवाद प्रभु जी आपका धन्यवाद प्रभु जी आपका धन्यवाद प्रभु जी आपके लहू की जय प्रभु जी आपके लहू की मसीह लहू की जय धन्यवाद धन्यवाद जलाली खून के लिए धन्यवाद जलाली लहू के लिए धन्यवाद जलाली लहू के लिए धन्यवाद जलाली लहू के लिए धन्यवाद 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 जलाली लहू के लिए धन्यवाद 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 धन्य के जलाली खून के लिए धन्यवाद जलाली खून के लिए प्रभु जी आपके जलाली खून को हम पुकारते हैं प्रभु हाल आपका वचन भी आपके लहू से सना हुआ है आपका वचन निर्मल सोता है प्रभु जी आपका वचन चश्मा है प्रभु अपने वचन की कुदरत को खोलिए हमारे बीच में यीशु मसीह आपका नाम चाहो आले यीशु मसीह के जलाली नाम में आमीन आले हम पिछले तीन सेशन से मनन कर रहे हैं मिस्ट्री बेबलॉन के ऊपर एक रहस्यमय बाबुल की नगरी है मिस्ट्री बैबलॉन <coughs> मैंने आपको बताया कि बेबलोन जो है मिस्ट्री बेबलोन इसका मेंशन 300 बार हुआ है बाइबल में इससे ज्यादा अगर किसी शहर का जिक्र है बाइबल में वो सिर्फ यरूशलेम है यीशु मसीह की वंशावली में तीन बार इसका जिक्र आया है ये राजधानी थी बेबलोन दुनिया के पहले डिक्टेटर की किंगडम की दुनिया का पहला यूनिवर्सल फॉल्स वर्ल्ड रिलीजियस सिस्टम दुनिया का पहला वर्ल्ड रिलीजियस पॉलिटिकल इकोनॉमिक सेंटर जो दुनिया में बनाया गया जहां से दुनिया के सारे धर्म पंथ कल्ट पैदा हुए वो है बेबलॉन बाब एल बाब एल, ये वर्ड प्ले है यहोवा वर्ड प्ले कर रहा है बाब का मतलब गेट भी होता है एल जो एल उनके परमिशन है कनानियों का खुदा है एल बा एल लेकिन बाबेल का मतलब हिब्रू में गिब्रिश भी होता है खबर कबा 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 ऐसे उल्टा सीधा बोलते जाना तो ये कन्फ्यूजन की नगरी है बाबुल जो है कन्फ्यूजन है बाबुल अराजकता है अनारकी है बाबुल गड़बड़ी है और यरूशलम शांति की बुनियाद है यरूशलम का मतलब पीस शांति और बाबुल का मतलब है जहां शांति नहीं है दो शहर हैं बाइबल में इन दोनों ही शहरों का जिक्र है दुनिया के लोग इन दोनों में से एक शहर में रहेंगे कुछ बाबुल में रहेंगे और कुछ यरूशलम में रहेंगे आले आप देखते हैं यरूशलम जो है जो अदन का बाग है वो यरूशलम का ही प्रतीक है जहां से आदम को निकाल दिया गया हम वहां से खारिज किए गए पाप के कारण आदम के गुना के कारण लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस शहर का रास्ता है तंग फाटक है रस्ता भी सकरा है लेकिन ये यरूशलेम को लेके जाता है हाल आपको मालूम 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य में नया यरूशलेम प्रेजेंट किया जा रहा है रेवल्यूशन 21 में ये नया यरूशलेम स्वर्ग से उतर के नीचे आ रहा है ब्यूटीफुल सिटी खूबसूरत नगरी महिमा से भरा हुआ शहर जिसको बनाने वाला परमेश्वर है यह तो भाई और बहनों पूरी बाइबल में यह वॉर है यरुशलम और बैबलोन की मसीह की आमद से 200 250 ढाई सौ साल पहले असीरिया पावर में आया जो मैंने आपको बता रहा था कि उसको असीरियन कहा जाएगा निम्रोध को और 1894 में पहली सीमाइट डायनेस्टी थी शिनु अबूम और जो छठा राजा था हमुराबी का 1792 से 1750 बीसी फिफ्टी का अगर आप अध्ययन करेंगे हामुराबी आपको बहुत सारा लिटरेचर पढ़ने के लिए मिलेगा धार्मिक बहुत सारे फलसफे जिसे फिलोसफी कहते हैं कोड ऑफ हामुराबी मिलेगा उसका अध्ययन कीजिए एपिक ऑफ गिलगमेश का अध्ययन कीजिए 400 ये यह जो थी डायनेस्टी इसका सेवेंथ किंग जो था उसका नाम था समसू इलूना 1749 से 1712 तक उसने राज्य किया उस समय इसराइल और मिसर इकट्ठे थे थेलेंडर सिलेंडर रूल की बात कर रहा हूं मैं जो 100 साल तक चला उसके बाद भाई और बहनों हिटाइट हित्तियों का समय आया हित्ती लोग हित्ती लोगों का अपना पैन है, हित्ती लोगों के अपने देवता थे, हित्ती से लोग जिन्होंने 400 साल राज किया उस समय बेबलॉन जो था वो अशूर का सिर्फ एक पौन था अशूरी लोग बहुत बड़ी शक्ति थे उस समय असीरियन आपको मालूम एक बहुत बड़ी फौज अशूर की मिलियंस में थी वो मिलियंस में इतनी बड़ी फौज थी एक्सक्यूज <coughs> मी <coughs> <coughs> दो लाख की फौज को लेके अशूर का राजा उसने इसराइल पे चढ़ाई कर दी और उसकी फौज में जो योद्धे थे वो मर्सनरी थे किलर थे किलर लोगों को मार डालते थे उनके बीच में एक प्रजाति के लोग थे जिन्हें हम स्किथियन बोलते हैं एस सी वाई टी एच आई ए एन स्किथियन, जो बहुत शार्प लोहे के हथियार लेके चलते थे और कटाक से लोगों का गला काट देते थे ऐसी खतरनाक फौज जिसने पूरी दुनिया में हैवक मचा दिया वो फौज को लेके इसराइल पे राजा चढ़ाई कर देता है और हिजकिया राजा यहोवा की शरण में जाता है पढ़िएगा छत्तीस अध्याय जशाया और सैंतीस अध्याय जशाया और राजा परमेश्वर के आगे उसको चिट्ठी लिख के भेजता है राजा कि तुझे कोई नहीं मेरे हाथ से बचा सकता जितनी कौमें जितने मुल्क जितने देश थे तेरे आसपास उन उन सबके देवी देवता उनके लोगों को नहीं बचा सके मैंने उन सबको मार डाला जो झुक गए उनको मैंने अपने अधीन कर लिया जो लड़े उनको मार डाला सब मुझे टैक्स देते हैं तू भी मुझे टैक्स दे तो यश तो वचन में लिखा है जशाया उस समय खुदा का खादिम है जो झिकिया का मेंटर है झिकिया राजा के इर्द गिर्द एक आत्मिक बाढ़ है जिसका नाम है यशाया धर्मी लोगों का परमेश्वर के पवित्र जनों का परमेश्वर के रूह में चलने वाले सच्चे खादमों का आपके जीवन में होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है तो इजकिया को वो लीड करता है पढ़िएगा आप ध्यान से मैं अभी उसमें जाना नहीं चाहता वो उस लेटर को यह के आगे बिछा देता है और घुटने टेक के यहोवा के सन्मुख रोने लगता है और प्रार्थना करता है तो शत्रु की सेना ने इसराइल को घेरा डाला दो लाख की फौज है छत्तीस अध्याय जशाया और से अध्याय आप खुद पढ़िएगा प्रभु यह क्या करता है प्रभु यह का एक दूत आता है सिर्फ एक दूत और रात को आके एक लाख पचासी हजार फौजियों को मार देता है पंद्रह हजार शायद भाग गए वन लैख एट्टी फाइव थाउजेंड को रात में मार देता है एक एंजल और यहोवा जराइल को बिना हथियार चलाए बिना फौजियों की सेना को भेजे बिना युद्ध किए बिना लड़ाई लड़े बिना युद्ध का बिगुल फूके परमेश्वर इसराइल को इतनी बड़ी जीत देता है और परमेश्वर इज़िकिया राजा प्रभु के पीछे चला परमेश्वर उसे उठाता है फलवंत करता है बरकत देता है उसके राज्य का विस्तार करता है उसे धन दौलत सब कुछ देता है और बहुत बड़ा नाम देता है लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो राजा के दिल में घमंड आ जाता है दूसरा राजा बीस अध्याय मैं से एक वचन पढ़ता हूँ आपके लिए दूसरा राजा बीस अध्याय दूसरा राजा बीस अध्याय उसका बारह बचन सुने क्या लिखा है एट दैट टाइम मैरो बालदान सन ऑफ बालदान किंग ऑफ एबलॉन सेंट एंडटर वेलकम देम एंड शोड देम ऑल द ट्रेजर ऑफ द हाउस सिल्वर द गोल्ड द द देश ऑयल His armory and all that was found in the storehouse. There was nothing in his house or all his realm that Hezekiah did not show them. Then Isaiah, prophet, came to Hezekiah and said, What did these men say? And from where did they come to you? Hezekiah said, They have come from a far country, from Babylon, and said, What have they seen in your house? And Hezekiah answered, they have seen all that is in my house there is nothing in my storehouse which i did not show them then isaiah said to hezekiah hear the word of the lord behold the days are coming when all that is in your house and all that all that which your fathers have stored up till this day shall be carried to babylon nothing shall be left says the lord and some of your own sons who will come from you whom you will father shall be taken away and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon, Hallelujah। <coughs> <coughs> देखिए उसने घमंड में आके राजा ने अपने महल का सारा सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात, सारे खजाने जितनी कीमती चीजें थी सब दिखाई और बड़े बड़े गोडाउन दिखाए जहां पे शहद के मटके कीमती इतर रखा हुआ था तेल रखा हुआ था ड्राई फ्रूट कीमती चीज़ें रखी हुई थी सब कुछ उनको दिखाया घमंड के कारण देखो मैं कितना बड़ा हूं मेरे को कितनी चीजें मिली हैं कितनी मटेरियल ब्लेसिंग मेरे पास है सबकी प्रदर्शनी की उस राजा ने तो यशाया कहता है कि अब यह होगा कि सजा तेरे ऊपर आ गई है और सचमुच सजा आ गई असीरियन लोग आए नॉर्थ से नॉर्थ साइड से एंड बेबलोनियन आए साउथ से प्रोफेसी थी जशाया थर्टी नाइन के अंदर जशाया थर्टी नाइन में जशाया ने यह भविष्यवाणी की थी कि नॉर्थ से फौज आएगी अशूर की और साउथ से फौज आएगी बेबलॉन की जैसे नबूवत हुई वैसे ही आइजाया थर्टी नाइन के अंदर यह भविष्यवाणी है हाल आपको मालूम जर्मिया ने यह भविष्यवाणी पहले की थी एक वचन पढ़ता हूं आपके लिए जर्मिया पच्चीस अध्याय उसका ग्यारह वचन पढ़िए मेरे संग जर्मिया पच्चीस अध्याय उसका ग्यारह वचन पढ़िए जर्माया ट्वेंटी फाइव 25 पच्चीस का ग्यारह पढ़े प्रभु क्या कहता है प्रभु कहता है दिस होल लैंड शैल बिकम अ रूइन एंड अ वेस्ट एंड these नेशन शैल सर्व द किंग ऑफ Babylon सेवेंटी years. प्रभु कहता है तुम्हारा देश वीरान हो जाएगा खंडर हो जाएगा और सत्तर साल तुम बाबुल के राजा की सेवा करोगे यह प्रभु के बंदे ने भविष्यवाणी की और फिर क्या कहता बारह वचन में देन आफ्टर सेवनटी years आर कंप्लीटेड आई विल पनिश द किंग ऑफ Babylon. आई विल पनिश

सेवेंटी ईयर सत्तर साल के लिए प्रभु इसराइल को लेके क्यों गया आपको मालूम क्यों क्योंकि हर सातवें साल यह हुआ परमेश्वर की आज्ञा थी को कि सातवें साल जमीन पे हल नहीं चलाना कुछ पैदा नहीं करना जमीन को धरती को आराम करने देना और प्रभु ने यह कहा था छठे साल सिक्स ईयर में जब तुम बोगे प्रभु कहता मैं तुम्हें इतनी फसल दूंगा कि सातवें साल पूरा तुम उसे इस्तेमाल करोगे तो भी खत्म नहीं होगी इतनी फसल तुम्हें दूंगा सेवंथ ईयर की भी छठे छठे साल में सेवंथ ईयर की भी हार्वेस्ट दे दूंगा लेकिन आपको मालूम इस रैली बहुत लोभी थे वो धन के पैसे के बहुत लोभी हो गए उन्होंने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी उन्होंने यहोवा के वचन को पूरा नहीं किया उन्होंने 70 ईयर्स के लिए क्या किया यहोवा की उस उस आज्ञा को जो सेवन ईयर की थी उन्होंने यहोवा की उस आज्ञा को नहीं माना उनके राजाओं ने तो प्रभु यहोवा कहता है अब 70 को मैं पूरा करूंगा सत्तर को मतलब कि 70 ईयर्स तो मैं लेके जाऊंगा सत्तर साल तक जमीन आराम करेगी क्यों क्योंकि उन्होंने 490 साल जब यह होशु इसराइल को लेकर आया कनाल में उसके बाद इसराइल के गुलामी में जाने तक 490 साल गुजर गए 490 सालों में इसराइलियों ने कभी भी सातवें साल भूमि को आराम नहीं करने दिया पृथ्वी को सबैटिकल लेने नहीं दिया उन्होंने फॉर ऑल 490 हंड्रेड एंड नाइन्टी ईयर्स after joshua died, the king's roads, you know, th those people continued. they continued to plow the land. they continued to do agriculture and harvesting, even on the seventh year that god said would be sabbatical for the land. so they continued doing that 490 years. <laughs> सत्तर गुना सात फोर नाइनटी यही बात ही यीशु मसीह कहते हैं पतरस कहता है कि मैं सात बार क्षमा करूं यीशु मसीह कहते हैं सेवनटी इंटू सेवन क्योंकि ये होवा ने सेवनटी इंटू सेवन करके सजा दी है तो आपको माफ करना है सेवनटी इंटू सेवन तो प्रभु यहोवा ने अपने दास जिदमिया के द्वारा भविष्यवाणी की कि तुम गुलामी में जाओगे और सत्तर साल तक गुलामी में रहोगे ताकि दस जो सबैटिकल तुमने सत्तर साल के जो तुमने सबैटिकल तोड़े हैं सत्तर साल जमीन को आराम नहीं करने दिया चार सौ चार सौ नब्बे सालों में वो जमीन आराम कर सके हाल वो जमीन आराम कर सके पढ़ें के वचन मेरे साथ सेकेंड क्रॉनिकल्स दूसरा इतिहास सेकेंड क्रॉनिकल्स दूसरा इतिहास की पुस्तक निकालिए उसका थर्टी सिक्स चैप्टर सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर थर्टी सिक्स दूसरा इतिहास छत्तीस अध्याय इक्कीस वचन सुने बीस से पढ़ता हूं ही हिटोक इंटू एक्साइल द बैबल ऑन हिटोक

All the days that is to lay desolate, it kept Sabbath to फुलफिल सेवेंटी years. सत्तर साल पूरे हों कौन से 490 सालों में इन्होंने सत्तर साल आराम देना था ज़मीन को नहीं दिया तो प्रभु इस को उस देश से निकाल के ले गया कि तुम इस देश में रहोगे नहीं तो यह धरती वीरान हो जाएगी बंजर हो जाएगी सत्तर साल तक इस धरती को मैं आराम दूंगा मत्ती अट्ठारह की बाईस में यही बात यीशु मसीह कह रहे हैं कितनी बार क्षमा कर सत्तर गुना सात हालिया इसराइल की हिस्ट्री में ये बात चार बार रिपीट हुई है अब मैं आपको कुछ बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूँ मेरे साथ निकालिए आप लेवी व्यवस्था लेवी व्यवस्था उसका आप निकालिए छब्बीस अध्याय लेवी व्यवस्था छब्बीस अध्याय और उसके 21 वचन से पढ़िए लेबी व्यवस्था 26 की 21 से सुने ध्यान से परमेश्वर के ये गहरे भेद सुनिए लेबी व्यवस्था उसका छब्बीस मैं वैसे आपसे पूछना चाहता हूं मुझे बताइए कभी आपने ये शिक्षा ली है किसी पास्टर से किसी चर्च में आपको ये शिक्षा दी गई सत्तर साल क्यों गुलामी में गए क्या पाप था इज़राइल का <coughs> मुझे मालूम है आपका जवाब नेगेटिव होगा <coughs> तो सुने आप 21वें वचन में क्या लिखा है लिविटिकस 26 की 21 में प्रभु कहता है देन इफ यू वॉक कॉन्ट्रेडी टू मी एंड विल नॉट लिसन टू मी प्रभु कहता है, अगर तुम मेरा विरोध करोगे और मेरी आवाज नहीं सुनोगे प्रभु कह रहा है क्या कहता प्रभु जब मेरी आवाज़ नहीं सुनोगी और मेरे विरोध में चलोगे आई विल कंटिन्यू स्ट्राइकिंग यू मैं तुम्हें सजा दूंगा <coughs> hmm? कैसी सजा दूंगा सत्तर सेवनटी सेवन फोल्ड सजा दूंगा सात गुना सजा दूंगा प्रभु यह हो कह रहा है सात गुना चौड़ रहे जो बरकत तो हो ना सौ गुना बरकत दे दे तीह गुना सठ गुना सौ गुना हजार गुना दे दे ये भी धंदा जो होगा अगर प्रभु के पीछे नहीं चलोगे प्रभु की आज्ञा नहीं मानोगे तो सा सेवन फोल्ड तुम्हारे पापों के लिए सात गुना सजा देगा अब बाईस वचन पढ़े एंड आई विल एंड आई विल लेट लूज द वाइल्ड बीस्ट अगेंस्ट यू क्या करूँगा जानवर भेजूंगा मैंने बोला बीस्ट भेजेगा ये बीस्ट सिर्फ जंगली जानवर नहीं है ये बीस्ट है किंगडम जो मैं आज आपको बता रहा था

अगर आप टेढ़ी चाल चलोगे प्रभु कहता है अगर इस डिसिप्लिन से भी तुम मेरी तरफ नहीं मुड़े बट वॉक कॉन्ट्रेरी टू मी देन आई ऑल्सो विल वॉक कॉन्ट्रेरी तुम प्रभु कहता टेढ़े हो जाओगे ना मेरे संग तो मैं भी तुम्हारे संग टेढ़ा हो जाऊंगा तुम टेढ़ी चाल चलोगे मेरे संग मैं भी टेढ़ा चलूंगा तुम्हारे साथ प्रभु यह होगा कह रहा है तुम टेढ़ा चलोगे मैं भी टेढ़ा चलूंगा हाल लुइया फिर प्रभु क्या कहता है एंड आई माई सेल्फ विल स्ट्राइक यू सेवन फोल्ड फिर कहता सात गुना और सजा दूंगा सत्तर गुना सात कितना हो गया चार सौ नब्बे हुँ? कहता फिर नहीं बाज आए चार सौ नब्बे गुना सात कितना हो गया अट्ठाईस नौ चौका छत्तीस थ्री थाउजेंड ईय से ज्यादा की सजा है प्रभु कहता है उसको फिर मैं आगे मल्टीप्लाई कर दूंगा देन आई विल स्ट्राइक वी सेवन फोल्ड अगेंस्ट एंड आई विल ब्रिंग अ सोलड अपॉन यू पहले क्या कहता प्रभु पहलू प्रभु, प्रभु कहता बीस्ट भेजूंगा तलवार भेजूंगा एंड शैल एग्जीक्यूट वेंजियंस फॉर द कावनेट एंड इफ एंड इफ यू गैदर विद इन योर सिटीज आई विल सेंड पेस्टल तीसरी चीज क्या भेजेगा पेस्टलेंस प्रभु कहता तलवार भेजूंगा प्रभु कहता है मैं पेस्टिलेंस भेजूंगा प्रभु कहता है मैं बीस्ट भेजूंगा और फिर आगे क्या कहता है एंड यू शैल बी डिलीवर्ड इन टू हैंड्स ऑफ योर एनिमी फिर प्रभु तुम्हें दुश्मनों के हवाले करेगा तुम्हारे दुश्मन तुम्हें बंदे का पुत्र बनाएंगे अगर तुम सीधी चाल नहीं चलोगे वेन आई ब्रेक योर सप्लाई ऑफ ब्रेड टेन विमेन शैल ब्रेक योर ब्रेड इन सिंगल अवन एंड दे शेल डोल आउट योर ब्रेड अगेन बाय द वेट एंड यू शैल यू शैल ईट एंड नॉट बी सेटिस्फाइड चौथी चीज क्या कह रहा है अकाल कितनी चीजें तलवार है अकाल है मरी है और जंतु हैं। ये भेजेगा सजा हाल ही है बहुत सारे मसीह लोगों के ऊपर सजा आ आई होती है स्वर्ग से उनके जीवन में सजा परमेश्वर ने भेजी होती है परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया होता है परमेश्वर ने उनके जीवन में तलवार भेजी होती है परमेश्वर ने उनके जीवन में अकाल भेजा होता है परमेश्वर ने उनके जीवन में बर, मरी बवा भेजी होती है परमेश्वर ने उनके जीवन में बीस्ट को भेजा होता है लेकिन वो लोग परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ते वो झूठे नबियों के पीछे भागते हैं प्रोफेसर पापा और पापा प्रोफेसर करता है मैं देख रहा हूँ काले रंग का गेट है बहन खड़ी हो जा तुझे ये मिलने जा रहा है तुझे वो मिलने जा रहा है वो जो फ्रॉड नबी है झूठा बंदा उसको खुदा के राहों का पता ही नहीं है वो जानता ही नहीं है लेबी व्यवस्था में क्या लिखा है जशाया क्या कह रहा है जिरमियाँ क्या, 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 क्या कह रहा है दानियल क्या कह रहा है होशिये क्या कह रहा है अबुदाया क्या कह रहा है व्यवस्था सार क्या कह रही है मिसाल की किताब क्या कह रही है यहोवा के राह क्या है यहोवा की विधिया क्या है यहोवा के हुक्म क्या हैं यहोवा परमेश्वर कैसे काम करता है कैसे यहोवा परमेश्वर खुश होता है कैसे यहोवा परमेश्वर को क्रोध आता है हमारा जीवन का सार क्या है हमें कैसे यहोवा के आगे चलना चाहिए पवित्रता ही क्या है धार्मिकता क्या है सकरा मार्ग क्या है तंग रस्ते पर कैसे चलना क्रूस उठा के कैसे पवित्र जीवन क्या है धर्मी जीवन क्या है परमेश्वर के मार्ग क्या है परमेश्वर के राग क्या है शिक्षा नहीं देंगे बरकत आ रही है आशीष आ रही है। आपको, ये मिलने जा रहा है, आपको वो मिलने जा रहा है आपको ये देने जा रहा है परमेश्वर आपको ये करते हैं झूठ फरेब और यह अटल बकवासबाजी है ये कलाम के कलाम के मोती नहीं पिरोते लोगों के दिलों में ये सच्चा कलाम चाहिए आपको झूठा झूठा नबूबते नहीं चाहिए ये लोगों के ऊपर तो सजा आई है यह की ओर से वो कहता है मैं तुम्हारे पे सजा भेजूंगा तुम्हें बनाऊंगा सीधा करूंगा तुम्हें जब उनके ऊपर सजा आई है वो भाग रहे नबियों के पास और वो उनको तेल बेच रहे हैं तीन की शीशी पानी बेच रहे हैं नमक बेच रहे हैं और उनको बड़े बड़े वायदे निकाल के कलाम में से दे रहे हैं ये तो पता ही नहीं है कलाम उनको ये वायदों की पटारी खोलते हैं भाई और बहनों बाइबल में हजारों वायदे हैं लेकिन वो वायदे उनके लिए हैं जो यहोवा के मार्गों पे चलते हैं जो यहोवा की विधियों को मानते हैं यहोवा के हुक्मों पे चलते हैं जो तंग फाटक से प्रवेश करते हैं जो सकरे मार्ग के राही हैं जो क्रूस को उठाते हैं अपने आप का इनकार करते हैं जो प्रतिदिन अपनी देह को जगवेदी पे चढ़ाते हैं जिनके अंदर यह होगा कि ज्योति जलती है जो उसके कलाम के निर्मल पानी से रोज धुलते हैं जो उसके लहू के साय के नीचे रहते हैं जो सीधी चाल चलते हैं उनके लिए है प्रोमिस पाप में डूबे हो तो आपके लिए कौन सा प्रोमिस है कोई प्रोमिस नहीं है तो मैं आपको अगले सेशन में स्टडी दूंगा सत्तर साल कैसे सत्तर सालों का भेद क्या है सेवेंटी ईयर्स का भेद क्या है चार सौ नब्बे साल सत्तर साल की सजा मिली लेकिन वो सात बार सात गुना मल्टीप्लाई होगी चार सौ नब्बे होगी फिर भी वो बाज नहीं आए फिर चार सौ नब्बे को फिर सात से मल्टीप्लाई कर दिया यहोवा होगा ने हाल आपको मालूम ये सजा कब खत्म हुई है ये मैं आपको एक और सेशन में बताऊंगा hmm. नबूकद नजर जो है वो नेबो प्लासर का बेटा है नेबो प्लासर सिक्स हंड्रेड में हाल राजा बना असीरिया के संग पहले थे बाद में ये लोग जो हैं असीरिया को धोखा दिए और इन्होंने राज्य स्टैब्लिश कर लिया नबूकद नजर ने सीरिया फलस्तीन को ले लिया 612 में करकमिश की एक बैटल हुई करकमिश कमिश सी ए आर सी एच ई एम आई एस एच कर की बैटल को आप गूगल सर्च कर सकते हैं बेबलोनियन लोग मीड्स स्किथियन लोग लड़ाई किया आपस में तो क्या लिखा है मिस्र हार गया बेबलोन बहुत शक्तिशाली राजा बना और बेबलोन ने बाकी देश के राजाओं को वासल किंग बना दिया वासल किंग क्या होता है सुजरेन वसाल यहोवा परमेश्वर हमारा सुजरेन वसाल है वो सुजरेन है हम वसाल हैं सुजरेन मतलब होता है एक बड़ा राजा छोटे छोटे राजाओं के ऊपर जब उन्हें हरा देता है उनके ऊपर दया करता है उन्हें कहता है तुम अपनी अपनी डोमेन में राज्य करो तुम रूल करो अपने लोगों पे, लेकिन तुम मुझे टैक्स दोगे वह है सुज़रेन वसाल। हाल तो नबूक द नसर ने क्या किया नबूक द नसर ने तीन बार यरूशलम को घेरा डाला कितनी बार? तीन, बार तीन बार तीनों बार वो थोड़े थोड़े लोगों को गुलाम बना के ले गया 606 बीसी में उसने पहला घेरा डाला और तभी नेबो प्लासर की मौत हो गई जो नबूनसर का बाप था उसने घेरा डाला 606 बीसी में उसने जोहवा किम जो राजा था उसको इसराइल का वासल किंग बना दिया उसने इसराइल को जीत लिया और उस राजा को अपने अधीन किया और उसने ज्यादा नुकसान नहीं किया फर्स्ट सीज में मुकर्र किया गया कि जो, जो यहूदा का राजा है वो नबूक को टैक्स दिया करेगा और उसके अधीन होकर रहेगा और राजा ने क्या किया राजा ने जब ये साइन किया ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके साथ तो उसने क्या किया उसने राजा के शाही खानदान में से कुछ लोगों को ले लिया जवानों को सिक्योरिटी के तौर पे कि तुम मेरे अधीन रहोगे मुझे टैक्सेस दोगे इस बात को इंश्योर करने के लिए राजा के घराने से वो जवानों को लेके गया जिसमें से एक दानियल है हाँ ले लोहिया शदरक मिशक हाना नेल एजराया और मिखल ये तीन जवान हैं जिनका नाम राजा ने बदल के शदरक मिशक उभेदनीगो कर दिया ये रॉयल लाइन के हैं ये जवान जो हैं राजा के ख़ानदान के हैं इनको सिक्योरिटी के तौर पे ले गया इनको ट्रेंड किया अपने महल के अंदर उच्च अधिक उच्च अधिकारी बनाया हाली 606 छो में छ सौ छह बीसी में उसने पहली बार ये काम किया उसके हर साल के बाद हर साल के बाद राजा यरूशलेम के ऊपर हम आक्रमण करता था तो आपको मालूम उस समय क्या हुआ जब के राजा था इज़राइल का और कुछ इज़राइली लोगों को राजा नबूक गुलाम बना के ले गया तो झूठे नबी थे सच्चे नबी तो चले गए दानियल भी असीरी में चला गया थर्ड टाइम जब वो पकड़ के लेके गया थर्ड टाइम में इजियल भी चला गया और बहुत से धर्मी लोग सीरी में चले गए तो झूठे नबी राजा को भड़काते थे राजा के आगे जाके नबूबत करते थे राजा को कहते थे प्रभु यहोवा हमारे साथ है प्रभु यहोवा हमारी और है हैकल हमारे पास है हम यहोवा की सेवा करते हैं हम यहोवा के नौकर हैं यहोवा हमें दुश्मनों के हाथ में नहीं देगा तो वो झूठी भविष्यवाणियाँ करते थे वी आर गॉड्स पीपल यू नो गॉड विल डिलीवर अस गॉड इज गॉड विल फाइट फॉर अस चुपचाप खड़े रहो यो हो वह लड़ेगा ऐसी भविष्यवाणियां करते थे झूठे नबी तो को पता लगा. नबूर फिर सेकेंड टाइम आ गया सेकेंड टाइम फिर उसने इस जरूशलम को कब्जा किया बिशीज किया इस बार उसने जुहा किम को क्या किया जुहा किम को हटा दिया और उसका अंकल था जिदकाया दूसरा राजा चौबीस का एक पड़े एक वचन पढ़िए दूसरा राजा चौबीस का एक जल्दी से निकालिए दूसरा राजा की किताब चौबीस अध्याय का एक वचन सुनिए इन हिज डेज किंग ऑफ केम अप एंड बिकेम हिज सर्वेंट फॉर थ्री देन ही टर्न एंड रिबेल्ड अगेंस्ट हिम जोआकेम उसका नौकर बन गया था इसराइल का राजा लेकिन वो उसके विरुद्ध में खड़ा हुआ एंड द लॉर्ड सेंट अगेंस्ट हिज बैंड ऑफ द कैलेडियंस एंड द बैंड ऑफ द सीरियंस and the bands of moabite and the bands of ammonite, and sent them against judah to destroy it, according to the word of the lord that he spake by the servant, servants the prophet, surely this came upon judah at the command of the lord, to remove them out of his sight. Dechye, tisra इसराइल लूट लिया गया इसराइल उजाड़ हो गया इसराइल के जवानों को गुलाम बना के ले गया नबूक नज़र यह काम कौन करवा रहा है आप तो बोलोगे जी शैतान करवा रहा है पढ़ो यहाँ पे चौबीस का तीन पढ़ लो दूसरा राजा चौबीस का तीन श्योरली दिस केम अपॉन जूडा एंड एज द कमेंड ऑफ द लॉर्ड यह यहूदा के संग इसलिए हुआ क्योंकि यहोवा ने इसकी आज्ञा दी है टू रिमूव दैम आउट ऑफ हे साइट उनको जैसे बंदा कहता है ना क्रोध में दफा हो जाए मेरी नजर सेहूदा को अपनी नजरों से दूर कर रहा है यह काम यहोवा ने खुद किया है दुश्मनों को बोला इनको सजा दो फॉर दिन ऑफ मन अकॉर्डिंग टू वट हीड डन एंड ऑल्सो फॉर द इनोसेंट ब्लड दैट हीम विदोसेंट ब्लड एंड द लॉड वुड नॉट पार्डन ले लु ये अलग कहानी है मोलक देवता को बच्चे चढ़ाते थे ये लोग इसका ये है पासिंग योर चिल्ड्रन थ्रू द फायर दूसरी दुनिया में बच्चों को भेजते थे पहलोटों को एक बहुत बड़ी मूर्ति थी उस देवता की मोलक की लोहे की उसके ऐसे हाथ थे वो बैठा था देवता उसके जो हाथ में बच्चा रखते थे उसके जो हाथ थे एक बहुत बड़ी लोहे की पाइप बल से बने हुए थे उसके अंदर तेल लगा हुआ था उसके पेट में आग की भट्टी जलती थी वहां से बच्चा स्लिप करके उसके पेट में चला जाता था और जल के मर जाता था बच्चा ये अपने बच्चों को पासिंग थ्रू फायर ये लोग जादूगरी में ये मानते थे कि अपने बच्चों को दूसरी दुनिया में भेज रहे हैं और हमें बहुत सारी फसलें मिलेंगी धन मिलेगा बहुत सारा सुख मिलेगा हमें जीवन में इसलिए शैतानों को बच्चे चढ़ाते थे आपको मालूम आज अमेरिका ये काम करता है अबॉर्शन के द्वारा मिलियंस ऑफ बच्चा हर साल अबॉर्ट किया जाता है मार दिया जाता है मोलक देवता को चढ़ा दिया जाता है ये बहुत खतरनाक शैतानी काम है प्रभु ये कहता है मैंने उनको माफ़ नहीं किया क्योंकि उन्होंने ऐसा गंदा पाप किया इस गंदे पाप की वजह से प्रभु कहता है ये मनुष्य के पाप है बहुत घिनौने पाप प्रभु कहता है मैंने उनको क्षमा नहीं किया तो भाई और बहनों दैनियल भी रॉयल खानदान का है जो वहां पे गुलाम है गुलामी शुरू होती है सत्तर साल का पीरियड शुरू होता है दैनियल उसके तीन दोस्त हैं उसके साथ और फॉल्स प्रॉफिट झूठी भविष्यवाणियाँ करते हैं और भड़काते हैं और फिर रिवोल्ट कर देते हैं ये बलवा करते हैं फिर नबूकद सेना लेकर आता है फिर जरूशलम को घेरा डालता है जुहा किम को उसका अंकल जदिक्किया उसकी जगह खड़ा कर देता है दूसरा राजा चौबीस के एक में दानियल नबी की किताब एक अध्याय के एक और दो वचन को पढ़ लीजिए और अगर आप पढ़ेंगे ना सेकेंड क्रॉनिकल्स थर्टी सिक्स वर्स सेवन दूसरा इतिहास छत्तीस का साथ दानियल पाँच का साथ और इजिकल की किताब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा जितने लोग थे ना यरूशलेम में जिनको कोई हुनर आता था कोई प्लम्बर थे कोई कारपेंटर थे ब्लैक स्मिथ थे गोल्ड स्मिथ थे मीनाकारी का काम जिन्हें आता था कढ़ाई का काम आता था चमड़े का काम आता था किसी भी तरह का स्किल जिनके पास था उन सबको गुलाम बना के ले गया नबूक्त ताकि वो ताकि वो बेबलॉन को जाके बिल्ड करें और वो सब सबको उसने बेबलॉन में जाके काम दिया हाल थैंक यू जीजस पढ़ लीजिएगा दूसरा इतिहास छत्तीस का सात दानियल पांच का तीन और आप पढ़ लीजिएगा दूसरा राजा पच्चीस का एक जर्मिया उनतालीस का एक जर्मिया फिफ्टी टू का फोर जिकियल ट्वेंटी का वन हाली बेबलोन के सारे क्रॉनिकल्स को इतिहास को एक बंदा लिखता है दूसरा राजा का दस से सत्रह दूसरा इतिहास छत्तीस का पांच से दस और जर्मिया सैंतीस का एक वहां पढ़िएगा आप पूरा इतिहास लिखा गया है लेकिन झूठे नबी फिर भविष्यवाणी करने लगे फॉल्स प्रोफेसिया जिरमिया वार्निंग देता रहा जिरमिया बोलता रहा कि तुम्हें सत्तर साल सब्र रख के नबूक नसर के गुलाम बने रहो और अपना जीवन बदलो तब यह हुआ तुम्हें छुड़ा लेगा वो सोचते थे जरमिया झूठा नबी है और उनके झूठे नबियों को सच्चा नबी समझते थे जरमिया की वार्निंग के बाद तीसरी बार फिर आ रा गया राजा जब उसने देखा कि ये लोग सही नहीं चल रहे जरमिया सत्ताइस का छ पढ़िएगा जरमिया सताइस का छ और आठ और जरमिया अठतीस का सत्रह और जिरमिया उनतीस का दस दानियल नौ नौ का दो पढ़िए इसको आप खुद पढ़िएगा जिरमिया ने वार्निंग दिया लेकिन उन्होंने माना नहीं अब पूरी तरह से यरूशलेम को बर्बाद कर दिया उसने पूरी तरह से जिरमिया सत्ताईस का छः ये मैंने आपको रेफरेंस दिए पहले आप पढ़िएगा पूरी तरह यरूशलेम को लूट के ले गया इजिकल चार अध्याय एक से आठ तक पढ़िएगा सब कुछ लूट के ले गया और सत्तर साल वो पहले थे वहां पे सत्तर सेवनटी सेवन सत्तर गुना सात चार सौ नब्बे साल की सजा हो गई तो अब उनके साठ साल गुजर गए थे चार सौ तीस साल की सजा बाकी रह गई चार सौ तीस माइनस सेवेंटी कर दें जो बेबलॉन में पहले काट दिए उन्होंने तो ये बन गए तीन सौ साठ साल और प्रभु क्या कहता है छब्बीस अध्याय लेवी व्यवस्था अठारह इक्कीस चौबीस और अट्ठाइस एक दो तीन चार चार बार बोलता है सात गुना सजा दूंगा तो अब तीन सौ साठ को गुना सत्तर गुना सत्तर गुना सत्तर गुना सत्तर यह मैं आपको शिक्षा दूंगा सात गुना तीन सौ साठ पच्चीस सौ बीस साल बनते हैं पच्चीस सौ बीस साल के बाद इसराइल वापस देश में आया है भाई और बहनों जिसे हम चौदह मई नाइनटीन फोर्टी एट को आजाद देश बनाए इसके ऊपर मैं शाम को आपको पूरी डिटेल में इसके पूरे आंकड़े निकाल के आपको स्टडी दूंगा और आप अपनी कोई नोटबुक लेके इसका अध्ययन कीजिएगा कैसे वो भविष्यवाणी पूरी होती है हमारे समय में हमारे समय में हम देखते हैं 14 मई 1948 को वो भविष्यवाणी पूरी हुई जो इज्किअल नबी ने की थी जो सॉरी जिरमिया ने की थी थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर का कलाम सच्चा है परमेश्वर का कलाम जीवित है परमेश्वर के कलाम कभी बदलेगा नहीं भाई और बहनों इस पे आप भरोसा कर सकते हैं रिलायबल फाउंडेशन है परमेश्वर का कलाम जो प्रभु ने कहा वो होगा आप आराम से निश्चिंत होकर सो जाएं परमेश्वर के कलाम का तकिया बना के ये पूरा होगा क्योंकि यह कहने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि स्वर्ग का परमेश्वर यह हुआ है तो हम बेबलॉन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं बाबुल मिस्ट्री बा, मिस्ट्री बेबलॉन और यरूशलेम के ऊपर और यह स्टडी हमारी सात आठ सेशन और चलेगी तो शाम को मैं फिर आपके संग मिलूंगा और हो सकता तो मैं वीडियो करूं और आपको पूरी डिटेल लिखवाऊँ प्लीज़ अपनी डायरी पेन संग में रखिएगा एक बहुत गहरा भेद परमेश्वर का आत्मा खोलेगा सिक्स ओ क्लॉक हम ये सभा करेंगे हाल आइए हम प्रार्थना करें खुदावन जी आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके लहू के साहे के नीचे आते हैं प्रभु जी मैं आपके आगे उठाता हूँ समीना अशरफ को सुरेंद्र कौर को डेजी वी को रीना खान आपकी बेटी को बॉबी आठ को मीनू सूद और उनके घराने को सुरिंदर कौर को हरपाल बाजवा को बहादुर सिंह आकाश को खुदावंद आपके हजूर में उठाता हूँ हाल लुहिया सुरिंदर कौर को खुदावंद रूबी संगेरा जो ब्रिटेन से उन्हें खुदावंद गीता को उनके घराने को आपके खून के आगे उठाता हूँ खुदावंद जी मैं हरपाल बाजवा को आपके आगे उठाता हूँ और खुदावन मैं ललित मेहरा को आपके आगे लेकर आता हूँ ब्रदर रमन खान को आपके आगे लेकर आता सुनीता गुड़िया कंसवर को आपके आगे लेकर आता हूँ खुदावंद शालू गाबा को विरोनिका जॉन को आपके लहू के सहाय के नीचे लेकर आता हूँ खुदावंद हाल अपने खून में हमें संभालिए मैं अपने आप को भी आपके लहू के सहाय के नीचे देता हूँ खुदावंद आपका धन्यवाद हो संध्या को फिर आपकी आराधना करने में हमारी सहायता कीजिएगा ये मसीह के जलाली नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं आमीन हरे लो भाई और बहनों हम चार सेशन कर चुके हैं लगभग चार घंटे से ज़्यादा की शिक्षा मिस्ट्री बेबलोन पे और शाम को भी हम इसे कंटिन्यू करेंगे शाम को अराउंड सिक्स वी विल गैदर प्रभु आपको आशीष दे सबको जय मसीह